हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो मैं सीधा पॉइंट पर आ जाता हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप लीड कोड पर कोई भी एक क्वेश्चन करते हैं या फिर आप जीएफजी पर कोई भी एक क्वेश्चन करते हैं तो 7 दिन बाद अगर आप उस प्रॉब्लम को दोबारा से करने की कोशिश करते हैं या फिर 1 महीने बाद आप उस क्वेश्चन को दोबारा से करने की कोशिश करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को भूल जाते हो। आप भूल जाते हो उसमें ऐसे कौन से स्टेप्स थे कि जो आपने करे थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या फिर आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया है, सपोज आपने बाइनरी सर्च टॉपिक पढ़ लिया है, तो बाइनरी सर्च टॉपिक पढ़ने के बाद उसमें सारे 10, 15, 20 क्वेश्चन अप्लाई करने के बाद भी अगर आपके सामने बाइनरी सर्च का क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं हो पाता है। ये मेरे साथ भी होता था गाइज, और ये होना बिल्कुल नॉर्मल है और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सॉल्व भी हो जाता है। मैंने भी काफी प्रैक्टिस कर रखी है। सो आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन सिम्प्रेस करंटली एंड आई हैव प्रैक्टिस डीएसए अलॉट। अभी मैं डीएसए की प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो मैंने 20 पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे हैं। अब जब भी आप इंटरव्यूज दे रहे होंगे ना, या फिर जब भी आप लीडकोड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे कॉन्टेस्ट में और इधर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो मेजॉरिटी 90% क्वेश्चन इन 20 पैटर्न्स में ही आ जाते हैं। 10% क्वेश्चन आपके मिसलिनियस होते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, ओवर द प्रैक्टिस हमें वो आ जाते हैं। पर जो 90% क्वेश्चन होते हैं ना, वो इन 20 पैटर्न्स में ही लाया करते हैं। अब इन 20 पैटर्न्स में क्या कवर्ड है? अब इन 20 पैटर्न में ईच एल्गोरिथम, ईच डेटा स्ट्रक्चर, ईच टेक्निक, सब कुछ मैंने कवर कर रखी है। मैंने ओवर 450 प्लस प्रॉब्लम्स लीड कोड में सॉल्व कर रखे हैं। तो मैं मानता हूं भाई, क्वांटिटी तो मैटर नहीं करती है। अब इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मुझे पता लगा है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं। तो अब ये जो 20 पैटर्न्स हैं, इनमें क्या क्या कवर होगा? बाइनरी सर्च, स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडो, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्री, ग्राफ, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, यूनियन फाइंड प्रॉब्लम, ट्राइज, साइक्लिक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, लिंक्ड लिस्ट में कंसेप्ट होता है फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का, तो सारी चीजें कवर होंगी ए टू जेड। तो फटाफट से इस शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप इस शीट को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं इस शीट के बारे में बताने वाला हूँ। कुल मिला के 20 क्वेश्चन, 20 पैटर्न्स है, और जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो मात्र 75 to 85 क्वेश्चन है। तो मैं ये पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें हम स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे अपने पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन में, कि जब भी आपके सामने कोई पैटर्न क्वेश्चन आता है तो आप आइडेंटिफाई कर पाए कि इसमें बाइनरी सर्च ही लगेगी, इसमें टू पॉइंटर ही लगेगा, इसमें स्लाइडिंग विंडो ही लगेगा, इसमें साइक्लिक सॉर्ट ही लगेगा। तो मैं आपको धीरे धीरे कर एक एक पैटर्न पढ़ाऊंगा, उस पर 5-5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, और कोई भी रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं होगा। हर क्वेश्चन से आप कुछ कुछ नया ही सीखोगे उस पैटर्न के बारे में। तो चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूं कि वो शीट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने शीट खुल जाएगी, डीसेप 20। अब इसमें 75 क्वेश्चन है, पर जैसे जैसे मैं धीरे धीरे कोर्स को आगे बढ़ाऊंगा ओवर 85 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल 75 to 85 प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप देख सकते हैं पहला टॉपिक बाइनरी सर्च से हम चालू कर रहे होंगे, जिसमें हम सिंपल बाइनरी सर्च पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। फिर एक कंसेप्ट होता है बाइनरी सर्च और आंसर, उसे हम पढ़ रहे होंगे। फिर हम और चीज़ देख रहे होंगे जहाँ पर आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते जहाँ पर बाइनरी सर्च लगेगी, तो वहाँ पर आप बाइनरी सर्च लगाएंगे। और एक डीपी का क्वेश्चन होता है, उसमें भी आप बाइनरी सर्च लगाएंगे। इस क्वेश्चन को हम डीपी में भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सारी वेरिएशन जितनी भी बाइनरी सर्च में हो सकती है ना, वो मैंने यहाँ पर सब लिख रखी है। ऐसी हैशिंग में जितनी भी वेरिएशन हो सकती है, प्रायोरिटी क्यू, टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो में दो प्रॉब्लम फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडो की और दो प्रॉब्लम वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो की है। देन साइक्लिक सॉर्ट, देन मर्ज इंटरवल्स, ग्रीडी एल्गोरिथम, रिकर्शन एंड बैकट्रैकिंग में जो जो हो सकता है, जो जो फेमस प्रॉब्लम्स है ना, सबसेट्स, कॉम्बिनेशन वन, परम्यूटेशन वन, एंड क्वीन प्रॉब्लम, यूनिक पाथ, जोसेफस प्रॉब्लम, सारा कुछ हम कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा आसानी से हम सारा कुछ कर रहे होंगे। यहाँ पर एक लिंक लिस्ट में कंसेप्ट होता है फास्ट स्लो पॉइंटर, उसे भी हम कर रहे होंगे। अच्छा, हर वीडियो के बाद ना, जैसे कुछ कुछ वीडियो के बाद, जैसे बाइनरी सर्च मैंने पढ़ा दिया, इस वीडियो के बाद जो जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हो या कर सकते हो ना, उसका भी मैं उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अगर वो क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो मैं उनकी भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम क्वेश्चन है और इसमें सारे कंसेप्ट आपके कवर्ड है। स्टैक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, जैसे आप फोर्थ प्रॉब्लम करोगे तो फोर्थ प्रॉब्लम करने के बाद ये फोर्थ प्रॉब्लम की एप्लीकेशंस है, ये भी आप कर सकते हो। ऐसे करते करते टॉपिक 14,
बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, डीपी ऑन ट्रीज है ना, सम ग्राफ ट्राई जॉर रिलेटेड प्रॉब्लम एंड सम एल्गोरिथम, कदानेज एल्गोरिथम, मूरेज, डच नेशनल फ्लैग, सेलिब्रिटी प्रॉब्लम, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, टोटल हमारे पास 75 प्रॉब्लम्स है, पर धीरे धीरे करके 85 तक पहुंच सकती हैं। तो बस मैं यही बताना चाहता था, तो सबसे पहले हम हर टॉपिक को टच कर रहे होंगे, मतलब कि यहाँ पर 85 प्रॉब्लम्स की हमारी पूरी प्लेलिस्ट आ रही होगी। और ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पर डिफिकल्ट होते हैं, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, बाइनरी सर्च हो गया और रिकर्शन हो गया। बाइनरी सर्च, रिकर्शन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, तो इनके ऊपर हम सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रहे होंगे कि बाइनरी सर्च के ऊपर भाई कुछ ज़्यादा वीडियोज आ जाए, 10 to 15 वीडियोज आ जाए। पर सबसे पहले एज अ वॉरियर हमारे पास सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, सारे वेपन्स होने चाहिए, हमारे पास स्वॉर्ड होनी चाहिए, हमारे पास गदा होना चाहिए, हमारे पास तीर कमान होना चाहिए। तो हम अभी अपने तर्कश में सारे अपने तीर भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, सारे एल्गोरिथम को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, पाँच 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 छः छः प्रॉब्लम सब कर रहे हैं, ताकि हमारा डीएसए एक बारी पूरा हो जाए। जब हमारा डीएसए एक बारी पूरा हो जाएगा तो फिर मैं सेपरेट टॉपिक्स की भी प्लेलिस्ट बना रहा हूँगा, पर वो वही बना रहा हूँगा जो आप मेरे से बोलेंगे। पर दो दो की तो पक्की है जो मैं बनाने वाला हूँ, बाइनरी सर्च एंड रिकर्शन, क्योंकि रिकर्शन हर चीज में यूज होती है, ट्रीज में भी यूज होगी, ग्राफ में भी यूज होगी, बीएफएस डीएफएस हर चीज में यूज होती है रिकर्शन, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी यूज होती है, और बाइनरी सर्च भी काफी जगह यूज हो रही होती है। तो बाइनरी सर्च और रिकर्शन काफी ज्यादा डेप्थ में बाद में पढ़ रहे होंगे, पर अभी हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पर टच करने वाले हैं। तो बस यही बताना था, और मैं बीच बीच में लीड कोड डेली प्रॉब्लम भी ला रहा हूँ। तो लीड कोड डेली प्रॉब्लम को मैं ऐसे ही नहीं ला रहा हूँ, पर लीड कोड डेली प्रॉब्लम को मैंने, जैसे कि मैंने आपको रिकर्शन बैक ट्रैकिंग बता दिया, अब मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन, कौन सा पैटर्न जो लीड कोड डेली में आ रहा है वो कौन से क्वेश्चन में फिट हो सकता है, और उसका थोड़ा सा कोड मॉडिफाई कर कर हम लीड कोड डेली को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो लीड कोड डेली भी बीच 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 में ला रहा हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, जिनको लीड कोड में इतने सारे क्वेश्चन देख के वो स्टक हो जाते हैं या फिर उन्हें मजा नहीं आ रहा होता है। हम A to Z सारा कर रहे होंगे, मैंने 450+ प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मैं अपनी प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ एक बारी, तो ये मेरी प्रोफाइल है, तो आप यहाँ पर मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, मैं कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में बताने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, इस शीट को सेव कर लेना, बुकमार्क कर लेना, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और अगर आप इस कोर्स से कुछ नया सीख रहे हो, किसी भी वीडियो से नया सीख रहे हो, तो लिंक्डइन पे इसे जरूर शेयर करना, #DSAP20 के नाम से, #DSAP20 हमारा चल रहा होगा, और मेरे को भी टैग कर देना, ठीक है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी वीडियोस दूसरों की भी हेल्प कर रही है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।